Assalamu alaikum everybody. Welcome to Arsad channel. You are watching the 10th class geometry, that is basic proportion theorem. Today we are going to discuss about its the basic proportion theorems, reverse theorems. The reverse theorem, you know, 6.1 theorem is telling about in a triangle when two lines is joining line segment, say this is a triangle ABC and line segment D is joining this AB and AC, and here if B parallel BC, then D will intersect proportionally AD by DB equal to AE by DC. ये आपने सीखा है कि अगर ये D BC के parallel होगा तो यहाँ पे ये proportionally इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन लेकिन इसका जो उल्टा थ्योरम होता है वो क्या होगा, वो अगर इफ इफ ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई डी सी इज गिवन गिवन देन वी नीड टू प्रूव that D parallel BC. You see, this statement is completely reverse statement of theorem number 1, basic proportion theorem number 1. So let's prove now. To prove here also you have to draw like before I have told you. मैंने आपको बताया था किस तरह इसको प्रूव करेंगे, जैसे 6.1 थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम नंबर 1 जैसे करके प्रूव किया था, वो वाला वीडियो आप देख लेंगे, तो उसको यहाँ पे उसको उल्टो तरीके से ही प्रूव करेंगे, इसलिए कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। देखो इसलिए यहाँ पे जैसे वो वाला 6.1 थ्योरम प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्राइंग किया था, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डीएम ड्राइंग किया था, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ई एन ड्राइंग कर लेता हूँ। अच्छा, ई बी को जोड़ देता हूँ और डी सी को भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब जो गिवेन है क्या है, गिवेन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई डी सी। अच्छा, इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू ए डी, तो ए डी ई ट्राइंगल आ जाएगा। ए डी ट्राइंगल, देखो ए डी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू ए डी इस बेस और इसका परपेंडिकुलर ई एन इंटू ई एन बाई डी बी, हाफ इंटू डी बी से डी बी क्या है, डी बी ये जो ट्राइंगल है इसका, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये, अच्छा, इंटू इसका भी हाइट ई एन है, इसका हाइट क्यों ई एन है, पिछले वाला वीडियो देख लो कि थ्योरम नंबर 1 बी पी के थ्योरम नंबर 1 किस तरह प्रूव करते हैं। तो हम हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, ये इस डी ई बी का हाई ई एन ले सकता हूँ हम, ठीक है, तो ले लिया। और इस एरिशो में हाफ इंटू ए के साथ ए ये जो रेखा है ए इसका परपेंडिकुलर का नाम डी एम, इसे डी एम मल्टीप्लाई कर दो, डी एम हाफ इंटू यहाँ पे भी हाफ ले लो, इसी इसी के जगह हाफ इंटू इसी इसी बेस, यहाँ पे इसी बेस है तो आप देखो इसी बेस होगा, तो इस डी ई सी का जो हाइट होगा डी एम होगा, तो यहाँ पर डी एम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर डी ओ का डी एम देखा, डी एम डी एम कर जाएगा, हाफ हाफ कर जाएगा तो ए बाई ई सी आ जाएगा, ई एन ई एन कर जाएगा, हाफ हाफ कर जाएगा तो ए डी बाई डी बी आ जाएगा, ओके, सही है ना ये। अच्छा देखो, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन, ये किसका एरिया है, ट्राइंगल एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई by area of triangle BDE is equal to area of triangle ABE by triangle area of DEC. ओके, देखो एरिया कट, तो हमारे पास आ गया BDE is equal to DEC है, BDE this triangle and D series are equal and also they are lying on the same base. तो 9th class का वो वाला theorem याद करो, जो क्या है, अगर कोई दो triangle उसका areas equal होगा
बी डी ई और डी ई सी का एरिया इक्वल है और ये ए की बेस के ऊपर खड़ा है, डी ई बेस के ऊपर खड़ा है, तो हम क्या लिख सकता हूँ, क्या बोल सकते हो कि ये डी बी सी का पैरेलल होगा। तो दैट्स यू कैन राइट एज द बी डी एंड डी ई सी आर इक्वल एंड ऑल्सो दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस, सो डी ई पैरेलल बी सी, सो डी ई पैरेलल बी सी, हेंस प्रूव। ओके, ये इसको समझने के लिए आपको नाइन्थ क्लास का जो थ्योरम था कि दो ट्राइंगल डी बी डी ई और डी ई सी, इसका एरिया एक ही है, ठीक है, सेम एरिया है और ये सेम बेस के ऊपर खड़ा है, तो ये क्या होगा, इसे पैरेलल लाइन के अंदर भी खड़ा होगा, तो इसीलिए डी पैरेलल बी सी, हेंस प्रूव। इस तरह आप आसानी से सिक्स, ठीक जैसे 6.1 प्रूव किया था, 6.2 को इस तरह प्रूव कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, उसमें इस थ्योरम के बारे में कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए आपको सीखना ही होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।